रात की क्लास देखी थी आपने मेरा? जी सर देखी थी, उसमें से क्वेश्चंस आए, उसमें क्वेश्चन से मेरा, मैंने उसमें एक बताया था शब्द शक्ति का, हाँ सर, अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो भी आपने सर इसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन से बने हैं, तो प्रश्न लगभग बन रहे हैं। हाँ सर। नमस्कार, सत्यादि शर्मा क्लासेस की ओर से मैं भगवान दंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज है हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र। हिंदी साहित्य का पेपर कैसा रहा ये जानते हैं आज के रिव्यू के माध्यम से। आज का सटीक और सबसे बेस्ट रिव्यू आप सभी के सामने अब होने वाला है और हम देखेंगे कि प्रश्नों का स्तर क्या रहा, प्रश्नों का लेवल जो है वो किस तरह का रहा, क्या क्या खास पूछा गया, इन सब के बारे में अभी विद्यार्थी जैसे ही छूटेंगे हम उनसे बात करेंगे थोड़ी ही देर में, और हम जानेंगे कि पेपर में क्या क्या दिक्कतें रहीं, किस तरह का सामना उनको या किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उन सब के बारे में अभी हम जानेंगे। तो देखते हैं और इंतजार करते हैं बच्चों के छूटने का। क्या शुभ नाम आपका? सर रश्मि शर्मा। रश्मि शर्मा, कितने नंबर हैं आपके? 100 नंबर है। कौन सी कैटेगरी से? जनरल। जनरल कैटेगरी से। क्या कठिन लगा आपको इस पेपर में? सर टफ तो कुछ भी नहीं था सर, जो आपने पढ़ाया उससे आउट कुछ नहीं है। अच्छा, आपने भी सत्यादि से पढ़ा है, मतलब क्या बात है। कल नाइट मैंने आपको बोला भी था, मैं बस में आ रही हूँ सर इंदौर सुबह। अच्छा अच्छा, तो आपने बोला था आ जाओ आ जाओ, और आप मुझे मिल गए सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं श्योपुर से हूँ, कूनो श्योपुर। तो आप ऑनलाइन स्टूडेंट रहे हैं? यस सर। क्या बात है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ऑनलाइन स्टूडेंट हमें मिले हैं यहाँ पे। रश्मि शर्मा जी, रश्मि शर्मा, आपने जो पढ़ाया वही याद आ रहा था बिल्कुल एकदम, उससे आउट कुछ नहीं था। कुछ ऐसा रहा जो कि कठिन है या परेशान करे, या कुछ ऐसा जो नहीं आपने सर, नहीं पढ़ा सर, नहीं सर, या कुछ ऐसा जो हमने नहीं पढ़ाया? हाँ वो कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे सर, और रीजनिंग आई थी, 3 क्वेश्चंस रीजनिंग के आए थे, इससे आउट तो कुछ नहीं आया सर। और जो कल पेपर देने वाले हैं आगे, जिनका पेपर रहने वाला है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर बस यही कि अपना जो रचनाएं हैं उनके, कवियों के नाम और कविता स्मरण वगैरह ये सब लर्न करके चले। बाकी व्याकरण तो बिल्कुल लो लेवल की आ रही है, व्याकरण से कुछ नहीं आ रहा है। 30 नंबर का जो पेपर था, 30 नंबर जो था, उसमें से कैसा लेवल रहा? मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कुछ कठिन, कुछ परेशान करने वाला? बिल्कुल नहीं। तो और यूँ कह सकते हैं कि पेपर बिल्कुल एवरेज रहा है, बढ़िया रहा है, और ऑनलाइन स्टूडेंट हमारे रहे हैं तो लगभग कल मैराथन क्लास भी ने देखी थी। यस सर, पूरा बोल रहे हैं, तो लगभग लगभग बन रहा है बिल्कुल। मतलब सर आपने बोला था ये देख लो और सो जाओ, कुछ नहीं होगा, और वही हुआ सर बिल्कुल। और चयन परीक्षा की तैयारी भी बाकी करेंगे आपसे? तो बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक चयन परीक्षा के लिए। 104 नंबर आए। 104 नंबर, क्या शुभ नाम? जी जी, क्या शुभ नाम आपका? नीलवित यादव। आप भी ऑनलाइन पढ़े हैं? हाँ सर, अभी पढ़ रही हूँ, वर्ग 1 की भी ज्वाइन कर रही हूँ सर। क्या शुभ नाम बताया आपने? नीलू यादव। नीलू यादव जी, कहाँ से आप? मैं बाणगंगा, इंदौर। इंदौर से हैं? हाँ सर। तो आपको पेपर में क्या कठिन लगा ऐसा? सर अच्छा था पेपर जो हमने पढ़ाया है, बन रहा है? हाँ सर बन रहा है। बहुत अच्छा, आप चयन परीक्षा के लिए तैयारी? हाँ, मैं तैयारी कर रही हूँ। आप? अच्छा। सर कोर्स भी ले लिया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, तो वर्ग 1 की तैयारी भी हाँ, कर रहे हैं? कर रही हूँ। चलो सर, तो अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे जो समय हमारे जितने भी जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर अच्छे से तैयारी करें, पेपर बहुत अच्छा था सर। और ऐसा कुछ जो हमने पढ़ाया और नहीं बना सर? सब बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाम आपका? कोमल गाखरवाल। कोमल जी नाम है, क्या बात है। तो आप तो सत्यादि के स्टूडेंट रहे हैं? अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छे सहयोग की बात है। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। कितने नंबर रहे? 84 नंबर है। किस कैटेगरी से? एससी से। एससी कैटेगरी से। कैसा रहा हिंदी साहित्य? 120 नंबर का जो पेपर था या नंबर थे वो कैसा रहा आपका? अच्छा रहा, मतलब व्याकरण से नहीं आए थे क्वेश्चन, ना तो अलंकार आए थे, ना रस आया था, ना छंद आया था, कुछ भी नहीं आया था, बस हिंदी साहित्य से आया था। और शब्द शक्ति ये जो थे ना, इसमें से तो 10 नंबर का आया था। मतलब वो जो 30 नंबर का था उसमें से कैसा, क्या मामला उसका? तो मुझे इतना याद नहीं है, पर हाँ ठीक ठीक था। अच्छा, 84 नंबर आपके रहे? हाँ 84। आपने तैयारी कहाँ से कैसे की? आपसे की। चलो तो हमारे ही योग की बात है, स्टूडेंट रहे तो बहुत बढ़िया लेवल रहा है, अच्छा लेवल रहा है। एक कैंडिडेट हमारे बीच और हैं, तो आइए जानते हैं। क्या शुभ नाम आपका? रमाकांत दागर। कितने नंबर हैं आपके? सर 100, मतलब 100। वो बहुत बहुत शुभकामनाएं, चयन परीक्षा के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आपको क्या ऐसा कठिन लगा जो कि लगा सर? नहीं, वैसे तो इजी था, ज़्यादातर शब्द शक्ति का बेटे से अच्छा खासा था, 15-20 के आसपास क्वेश्चन थे, और शुद्ध बर्तनी वाले भी अच्छे खासे, मतलब 15-20 था। अलंकार छंद बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं था उसमें एक भी, और रचनाएं भी ठीक ठाक थी, मतलब 5-10 रचनाएं तो आपसे बन गई थी, और मतलब कुछ तो आउट थी, मतलब सब बुक में ही नहीं थी, मतलब अच्छा, मेरे हिसाब से। हाँ कुछ ऐसा भी था जो रचनाएं, मतलब जो देखी नहीं पढ़ी नहीं? हाँ वो थी ना सर। 8 नंबर या 10 नंबर का जो हिंदी व्याकरण या 30 नंबर में से था वो कैसा रहा? वो ठीक था सर। अंग्रेजी पैराग्राफ, अंग्रेजी में सिटिंग अरेंजमेंट क्या आए थे, पांचों के पांचों क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के, और रीजनिंग में 3 क्वेश्चन थे, इजी थे, मतलब देख एक टाइम में ही बन गए थे देखते सही।
और ऐसा जो कठिनाई शब्द शक्ति आपको कठिन लगा? नहीं सर, इजी था, पढ़ा था आपसी क्लास में पढ़ाया था आपने, पढ़ा है मतलब आप ही कोचिंग से पढ़ाऊ मैं सर, पटवारी का किया है ना मैंने। शुभकामनाएं आपको भी। शब्द शक्ति थोड़ी परेशान कर रही है सर, आज तो अच्छा खासा बेटे से मतलब 20 से 22 क्वेश्चन थे उसके। बहुत बहुत बढ़िया और शुभकामनाएं चयन परीक्षा के लिए, तैयारी कीजिएगा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए, आपका शुभ नाम सर? गोपाल मंडलोई। कहाँ से आप? दहा डिस्ट्रिक्ट से। दहा डिस्ट्रिक्ट, कितने नंबर हैं आपके? 90। बहुत बहुत शुभकामनाएं चयन परीक्षा के लिए आपको। तो आज जितने भी अभी तक उम्मीदवार या अभ्यर्थी मिले हैं सब क्वालिफाइड लगभग कर गए, पेपर बहुत अच्छा रहा है, एक बार जानते हैं इनको क्या कठिनाई लगी, क्या ऐसा कठिन लगा आपको? पेपर तो ठीक था सर, मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल मान सकते हैं। ऐसा कठिन क्या लगा आपको जो ज़्यादा कठिन मान सकते हैं? कठिन तो सर शब्द शक्ति, रचनाएं बन रही थी। हाँ रचनाएं बिल्कुल। आपने तैयारी कहाँ से की? सत्यादि शर्मा। सत्यादि शर्मा, तो अच्छी बात यह है कि आज हमारे सारे स्टूडेंट हमें मिल रहे हैं और बहुत अच्छी बात, और सब सफल भी हो रहा है। इससे बढ़ के और कोई खुशी हमारे लिए नहीं होगी कि जितने भी मिले हैं सब सफल है और सब स्टूडेंट अपने ही हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर ठीक है सर। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। तो सभी विद्यार्थी लगभग हमारे अपने ही हैं, सत्यादि शर्मा क्लासेस से है, और सभी का स्वागत है। क्या शुभ नाम आपका? विष्णु कुमार। विष्णु कुमार जी, कितने नंबर है आपके? 120 नंबर। तो अभी तक के हाईएस्ट नंबर जितने भी हमने देखे हैं 120 नंबर मिले हैं। आइए जानते हैं 120 नंबर इनके रहे हैं पात्रता परीक्षा में। 120 नंबर कैसे, क्या आए आपको, कहाँ से? मैं तो क्या हूँ, राजस्थान से हूँ। राजस्थान से और रेगुलर तैयारी कर रहा हूँ। रेगुलर तैयारी, लंबी तैयारी है मेरी। ऐसा फिर भी क्या लगा कि ये थोड़ा सा कठिन, ये ज़्यादा लेवल बढ़ा है, या कठिनता का स्तर यहाँ ज़्यादा हो गया? नहीं, पेपर तो ऐसे नॉर्मल था, नॉर्मल पेपर था। और उसमें क्या है, कुछ टॉपिकों में से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रखे थे, जो पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ रखे थे 3-4, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन थे। आपको अनुमान था 120 में से कितने नंबर आए होंगे? 120 जो रहे हैं, जो मेन सब्जेक्ट था उसमें से कितने आए होंगे? 120 में से, उसमें से मेरे मतलब 100 प्लस होंगे। 100 प्लस होंगे, तो 30 में से आपके लगभग 20 नंबर तक रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 120 नंबर जो रहा है वो ज़्यादा कठिन नहीं है। वो लोग बोल रहे थे 30 नंबर की पेडागोजी आएगी, 40 की पेडागोजी आएगी 120 में से, तो उसमें से कितने पेडागोजी रही लगभग? पेडागोजी भी मतलब उसमें भी मतलब 15 की लमसम 15 के लगभग रही है। कठिनता रही कि सामान्य रही? उसमें तो थोड़ा लेवल भी था और नॉर्मल भी थे, मध्यम स्तर था, दोनों स्तर का मान सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम कहें 30 नंबर में से, तो उसमें क्या है सर, इस पर ध्यान दें। कंप्यूटर का लोग बोल रहे हैं कि कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अब इंग्लिश तो क्या है, मुझे 5 क्वेश्चनों में से एक भी नहीं आया था। एक भी नहीं आया था। कंप्यूटर के आए क्या क्वेश्चन? हाँ, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन था, तो उसे जीएस में मान सकते हैं। जीएस तो कंप्यूटर को ना मानते, उसे जीएस में माने तो ज़्यादा सही रहेगा। और 3-4 क्वेश्चन मेंटल के भी थे, वो तो राइट गए थे, तो मेंटल एबिलिटी तो सामान्य रहेगा ही रहेगा। आपका पेपर था? हाँ सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेश अहरवार है। महेश, कहाँ से आप? मैं टीकमगढ़ जिले से। टीकमगढ़ से है। और कितने नंबर हैं आपके? 87 नंबर। 87 रहे हैं। कैटेगरी SC। क्या बात है, आप भी क्वालिफाइड कर गए हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए चयन परीक्षा के लिए। और आप ही का सर। अच्छा, क्या बात है, शुभकामनाएं आपको और चयन परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छे से कीजिए तैयारी। और आगे देखिए, नमस्कार, क्या शुभ नाम आपका? सर महेश राड़े। महेश राड़े जी, क्या कितने नंबर हैं? मेरे 80 नंबर हैं। 80 नंबर हैं, और काफ़ी हिंदी आई है आज, पेपर बहुत अच्छा रहा है। अच्छा रहा जी। तैयारी कहाँ से, कैसे की आपने? यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब के माध्यम से की, सत्यार्थी का यूट्यूब में देखा हुआ है। अच्छा अच्छा जी, आप बहुत कर मुझे खुशी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगा, सभी लगभग हिंदी साहित्य जो है स्टूडेंट मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि वर्ग 1 और 2 में आप बिल्कुल चयन परीक्षा में उत्तीर्ण करें और सिलेक्ट हुए। चलिए, कुछ और उम्मीदवार है, जानते हैं इनसे कि कैसा इनका पेपर रहा, और देखते हैं। आइए, थैंक यू सो मच सर। क्या शुभ नाम आपका? रंजना। रंजना, रंजना पूरा नाम? रंजना जलोदिया। आप भी सत्यादि से पढ़े हैं? जी सर। क्या बात है, कहाँ से आप? सीहोर से। सीहोर से हैं। कितने नंबर हैं? 109 नंबर हैं। थोड़ा सा पेपर के बारे में जो भी हमारे व्यूअर्स इनको बताइए कैसा। सर पेपर में ये शब्द शक्ति से ज़्यादा क्वेश्चन थे, अभिदा लक्षणा से, और सर जीएस के 2-3 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 3 क्वेश्चन थे, और सर साहित्य के थे, ज़्यादा नहीं था, ग्रामर ज़्यादा थी, और अशुद्ध वाक्य बहुत ज़्यादा पूछे थे। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वर्तनी ज़्यादा पूछे? हाँ, शुद्ध वाक्य और शब्द दोनों में वर्तनी के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हाँ, वर्तनी के ज़्यादा क्वेश्चन थे। रात की क्लास देखी थी आपने? जी सर देखी थी, उसमें से क्वेश्चन आए, उसमें से क्वेश्चन से मेरा, मैंने उसमें एक बताया था शब्द शक्ति का। हाँ सर, अभिदा लक्षणा व्यंजना, तो भी आपने से बने हैं, तो प्रश्न लगभग बन रहे हैं। हाँ सर बन रहे हैं। और पेपर अच्छा, एक बार फिर से नंबर बता दीजिए। 109 नंबर है। हाँ सर, एक ही महीने 15-20 दिन एक महीने आप ही की क्लास देख रही थी, उसी में ज्यादा क्वेश्चन है। और बच्चों को क्या कहना चाहिए, तैयारी करना है तो क्या करें? कि साहित्य पर कम से ग्रामर ज्यादा रही, ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा करे, और सर बस अच्छा था पेपर। सत्यादि शर्मा क्लासेस के बारे में क्या कहें? सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, पेपर जिस तरह का लेवल बनता है उसी तरह से क्वेश्चन सर आपने करवाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपको भी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे भी अच्छा लगा, और सत्यादि परिवार को भी बहुत अच्छा लगा है। और अच्छे से तैयारी कीजिए वर्ग 1 या वर्ग 2 की चयन परीक्षा के। जी सर। तो आइए, हमारे बीच
एक और अभ्यर्थी है, क्या है नाम आपका? छवि सोलंकी। कहाँ से आप? मैं भोपाल से हूँ। कितने नंबर हैं आपके? मेरे 106 हैं। 106 नंबर हैं। क्या कैटेगरी? जनरल। क्या कहना चाहेंगे पेपर को लेकर? पेपर में ग्रामर का जो पोर्शन था वो बहुत ज़्यादा था, साहित्य भी था पर ग्रामर वाला ज़्यादा था, और कंफ्यूज वाला जो शुद्ध और अशुद्ध वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे, तो उनको ध्यान से पढ़कर उस पेपर को करना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक इस पे जरूर ध्यान देना जरूरी था हर स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल हाँ, बाकी पेपर अच्छा था। आपके जो 30 नंबर का पार्ट था उसमें से क्या कठिन ऐसा लगा? रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर आ रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर सिलेबस में नहीं था पर कंप्यूटर आया है, बाकी मैथ्स रीजनिंग तो नॉर्मल थी। गद्यांश पद्यांश आए हैं क्या? गद्यांश पद्यांश आए हैं और गद्यांश बहुत मतलब अच्छे लेवल के थे, उनको बार बार पढ़ना फिर उसके हिसाब से आंसर देना। कितने प्रश्न होंगे लगभग ऐसे गद्यांश पद्यांश के? गद्यांश के कम से कम 20 क्वेश्चन तो बने हैं गद्यांश पद्यांश से करके। अच्छा, एक बात और, ये डाउट बन रही थी बच्चों को कि एक गद्यांश पहले आ रहा है फिर प्रश्न लगातार आ रहा है, तो क्या हर प्रश्न के पहले गद्यांश नहीं है? हर प्रश्न के पहले गद्यांश नहीं एक ही बार आया है। हाँ, जैसे गद्यांश है उसके बाद क्वेश्चन है, फिर वापस दूसरे क्वेश्चन है, फिर उसके बाद फिर पद्यांश है, फिर रिपीट हुआ है, ऐसे आया है। बाकी पेपर अच्छा था, नॉर्मल अच्छा था पेपर। तैयारी कैसे किया की आपने कुछ? मैंने तैयारी यूट्यूब के माध्यम से की। ओके, थैंक यू। आपका क्या शुभ नाम है? प्रत्यु सिंह चौहान। आप किस लिए आए हैं? मम्मा को लेने आए हैं। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और आपकी मम्मा का पेपर अच्छा गया है। हाँ, मैं अपने मम्मा को टीचर बना सकता हूँ। कैसे बनाओगे आप? मेरे जेजे ने बताया, मैं मम्मा जेजे बनाएंगे। और आप क्या बनोगे आगे? सर बनूंगा। अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। चलिए, आपका पेपर था? हाँ। कितने नंबर रहे? मेरे 92 रहे। क्या शुभ नाम आपका? अंजुलता यादव। अंजुलता यादव, आप उनके जो 92 नंबर रहे इसमें से ज़्यादा नंबर आपको किस में मिले होंगे? सबसे ज़्यादा हिंदी व्याकरण में रहे अपने। व्याकरण और साहित्य अगर 120 नंबर कम देखें तो उसमें से व्याकरण कितने नंबर की मान सकते हैं? व्याकरण कम से कम 90 नंबर के आसपास रही है। व्याकरण का लेवल ज़्यादा रहा है? हाँ, और व्याकरण इजी भी रहा। हाँ, काफ़ी लेवल मतलब जो वर्ग एक का लेवल था, हाई लेवल के क्वेश्चंस जो आते थे उसके थ्रू इसका लेवल काफ़ी इजी था, मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति अगर उसने इजीली थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो वो कवर कर ले जाएगा। अच्छा। हाँ, आपने तैयारी कैसे क्या की? हाँ, मेरी तो सेल्फ प्रिपरेशन है। हाँ, और थोड़ा सा यूट्यूब्स की वीडियोज़ वगैरह देख के। साहित्य में कुछ ऐसा जो नहीं पढ़ा था आया? हाँ, साहित्य में एक्चुअली क्या, जो पद्यांश आए, अब पद्यांश में या तो आप डीपली हर किसी का, आपका कवियों का आपने पद्यांश पढ़ा हो तो आप बता सकते हैं कि वो किसकी रचना है, तो वो एक डाउटफुल था कि इतना व्यक्ति को याद नहीं रहता कि ये किसकी रचना है। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो आगे पेपर देने वाले इनके लिए क्या रहेगा मामला? ये है कि अपन कह नहीं सकते ना एग्जाम में क्या आएगा, उस टाइम पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, आज का पेपर तो इजी था। हाँ, ये है कि हाँ हर चीज़ पढ़ के जाइए तो ज़्यादा बेस्ट है। और 10 नंबर की जो पेडागोजी थी वो कैसी रही? वो भी इजी लेवल, ज़्यादा कठिन तो नहीं रहा? जैसे बच्चे घबराए हुए थे, बहुत परेशान थे, बहुत इजी लेवल था। वर्ग एक से मतलब वर्ग दो का लेवल बहुत डाउन और बहुत इजी था। चलो, तो पेपर बहुत सरल था, बहुत सरल। और अच्छे से आप तैयारी कीजिए वर्ग दो की चयन परीक्षा के लिए। और अगर चैनल नहीं देखा तो सत्यादि शर्मा क्लास एक बार देखिएगा, जुड़िएगा, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आइए, कुछ और अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। पेपर लगभग अच्छा रहा है, बढ़िया रहा है, व्याकरण का लेवल थोड़ा ज़्यादा रहा है, साहित्य कम रहा है, और साहित्य जो है कुछ बने हैं कुछ नहीं भी बने हैं। आइए और जानते हैं कैसा लेवल रहा है। कितने नंबर है सर आपके? सर मेरे 100 नंबर आए। क्या शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम शिवचरण सिंह बेरवा है और मैं श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से हूं। श्योपुर से हैं जी सर। आपके 100 नंबर हैं जी सर। इसमें से 30 नंबर के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार रहे या अभ्यर्थी रहे इन्होंने अपने मेन सब्जेक्ट के बारे में तो बताया है लेकिन 30 नंबर के बारे में कम बता पाए हैं। 30 नंबर का जो सर नंबर क्वेश्चन आंसर आए हैं उस क्वेश्चन में तो ज़्यादातर पेडागोजी भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है और कंप्यूटर भी है, जो कि हमारे सिलेबस से आउट है एकदम। अच्छा जी सर। तो थोड़ा सा उसने परेशान किया भी है कुल मिला? थोड़ा परेशान हुए हैं अगर, क्योंकि जिस सिलेबस को हमने कभी पढ़ाई नहीं है तो थोड़ा सा उसके बारे में अपने आत्मविश्लेषण करना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। 10 नंबर की पेडागोजी कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया रही सर, बहुत बढ़िया रही। 8 नंबर की जो हिंदी थी वो? जी सर, वो भी बहुत बढ़िया। इंग्लिश बनी? इंग्लिश भी कुछ क्वेश्चन बने हमारे बने। और जीएस वाला था तो जीएस में क्या कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा आए ऐसा सुनने में आया है? क्वेश्चन थे तीन रहे, कितने क्वेश्चन रहे कंप्यूटर? एक ही क्वेश्चन था, तो एक ही प्रश्न था, घबराएं बिल्कुल नहीं। और जीएस का हिस्सा मान सकते हैं, वो जीएस का हिस्सा मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कंप्यूटर पढ़ने लग जाए ऐसा कुछ नहीं है, वो जीएस का हिस्सा मान सकते हैं। और अगर मैथ्स की बात करें, मैथ्स की या रीजनिंग के सवाल थे, प्रश्न थे, वो कैसे रहे? वो भी
खैर मेरा तो मैथ मेरे को थोड़ा टफ लगता है तो थोड़ा, लेकिन फिर भी मैंने किया है, इजी रहा है वो भी। आपके सेंटर पे या आपके जो हॉल में जिस क्लास में थे वहाँ पे हाईएस्ट नंबर कितने सुने आपने लगभग? उसमें एक मैडम थी तो उसमें एफ ब्लॉक में 113 नहीं मेरा 95 था। आपके 95, आपके कितने रहे? 112 रहे हैं। तो अभी हमें एक अभ्यर्थी से मिले जिनके 120 नंबर थे और राजस्थान से हैं, तो ये पात्रता परीक्षा है, सभी लगभग क्वालिफाइड हुए। सर आपके नंबर 85 रहे। सर आपकी 95। आपके सर? मेरे 100 रहे। आपके सर? मेरे 100 रहे। आपके 112 है। तो आज अच्छी बात, सबसे बड़ी बात जो रही वो ये रही कि आज कोई भी हमें अभी तक ऐसा अभ्यर्थी नहीं मिला जो डिसक्वालीफाइड हुआ है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का पेपर बहुत अच्छा था, लेवल सामान्य था, ना तो टफ कह सकते हैं ना ज़्यादा सरल कह सकते हैं, बिल्कुल सामान्य इस तरह कह सकते हैं। रीजनिंग का भी बहुत अच्छा, रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग पूरा कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग था जिसमें हम पूरा कर लिए, दोनों सब सही थे, 5 सही है। आप में से कोई ये बताना चाहेगा कि ये गलती आने वाले पेपर में कोई अभ्यर्थी ना करे जो आपसे हुई है या आपको लगा? एक बोल सकते हैं, मतलब पेपर की जो लहर है ना, लय वो एक साइड ज़्यादा झुक गई। जैसे अगर मतलब शब्द जैसे शब्द शक्ति से क्वेश्चन आए तो लगातार लगभग 15 क्वेश्चन आए शब्द शक्ति से, और उन्होंने पूछा था कि इसमें मतलब शब्दभाग कौन सा है, उसके लगातार 15 क्वेश्चन दिए उन्होंने, तो एक तरफ लय में चला गया एग्जाम थोड़ा सा। मतलब पेपर कम से कम 4-5 क्वेश्चन वो बार बार घुमाता रहा, किसी का मन हुआ थोड़ा सा क्या है ना कि वो आउट ऑफ सिलेबस भी आए, जैसे रस नहीं आए, अलंकार नहीं आए, छंद नहीं आए, और बस एक ही क्वेश्चन शुद्ध भाग अशुद्ध भाग छाटिए और मूर्धा वो अभिधा व्यंजना और यही रिपीट करके क्वेश्चन आ रहे थे। आपने शब्द शक्ति पढ़ी थी? जी। आप में जो शब्द शक्ति पढ़ रखी लगभग सब बने होंगे, वैसे बहुत नहीं सामान्य सा टॉपिक है शब्द शक्ति, बहुत सरल सा टॉपिक है, लगभग बने। सत्य शब्द भी पूछे गए थे और क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब कि क्वेश्चन इनमें से कौन नहीं है अशुद्ध वाक्य, ज्यादातर परेशान करते हैं क्योंकि हम बच्चे अगर हम उसको सही से केयरफुली ना पढ़े तो क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांसेस बने भी ऐसे क्वेश्चन। आप में से सत्य शर्मा परिवार को या सत्य शर्मा क्लासेस कितने लोग जुड़े हुए थे? आप जुड़े हैं सर? देखें सर क्या बात, हमने पूरा देखा है, वीडियो देख के सीखते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, हम तो कल तक की क्लास देखी होगी आपने, तो कल की क्लास से बेनिफिट मिला? जी सर बिल्कुल। एक उसमें पढ़ा था हमने अभिधा उत्तम काव्य है लक्षणा, मतलब हमने पढ़ा होगा तो उससे लगभग अगर वो प्रश्न भी देखा होगा तो उससे काफी कुछ बना होगा। अच्छा, तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को और वर्ग 2 की चयन परीक्षा में लग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो 8 नंबर का है उस पे तो फोकस करना है ही नहीं, क्योंकि गद्य आ रहा है 4 का, पद्य आ रहा है उसी में से आ रहे क्वेश्चन। 4 नंबर का गद्य, 4 का, 4 का पद्य, उसमें नंबर उसी से एक शीर्षक पूछ रहा है, दोनों में उचित शीर्षक और बाकी उसी में से क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इजी है। बस मेन चीज़ है कि आज उसने लक्षण ये मतलब शब्द शक्ति ज़्यादा पूछा और वाक्य रचना कि शुद्ध अशुद्ध यही ज़्यादा पूछे उसने, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध और लक्षणा मतलब शब्द शक्ति सही बने, कम से कम 5-6 क्वेश्चन वो बार बार घुमा घुमा के रिपीट एक ही बार बार वही क्वेश्चन आए, और साहित्य से जैसे रचनाएं भी पूछी है। अच्छा, रचनाएं ज्यादा इंसाउल्लाह खान की, कुल मिलाकर हां इंसाउल्लाह खान की रानी की कहानी है, हम लगभग टेस्ट आपने देखा होगा तो 5-6 दिन में हम ये 4-5 रोज एक बार टेस्ट में आ भी रहा है। पद्मावत की रचनाकार ये लगभग तो सामान्य क्वेश्चन लगभग कल की क्लास आपने अगर किसी ने देखी है तो कैसी रही क्लास? अच्छी क्लास। सत्यदेव शर्मा क्लासेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो उस क्वेश्चन से देखा, मैंने जब से मैं तैयारी वर्ग 2 का करने लगा तो मैं सर्च किया तो यही सत्यादि शर्मा क्लासेस के बारे में मैंने सुना, तो मैं उसी से पूरा क्वेश्चन जो है डेली की क्लास में करता था। मैं वन डे एग्जाम वैसे देता हूँ, मुश्किल से मैंने जो है 7-8 क्लासेस एक हफ्ते से लगातार देख रहा हूँ एग्जाम के पहले, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला उससे क्वेश्चन। थैंक यू। तो बिल्कुल उबलता हुआ खून है, नंबरों का सुकून है, आज किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया रहा है पेपर सभी का, और पेपर जो लेवल रहा है वो बहुत ही सामान्य रहा है। जो बताई गई अगर हम देखें या तो पाया गया आज के पेपर में कि एक ही टॉपिक से बार बार एक तरह से लहर बनी है, शब्द अशुद्ध पूछने लगे तो फिर वही प्रश्न पूछने लगे, अगर शब्द शक्ति की बात करें तो एक साथ 15-20 क्वेश्चन लगातार बनने लगे, तो एक कंटिन्यू लहर वाला रूप ज़्यादा देखने को मिला। पेपर बहुत अच्छा था, हिंदी साहित्य से प्रश्न कम बने हैं, जितने भी बने हैं सामान्य बने हैं, व्याकरण के प्रश्न ज़्यादा आए हैं, लेकिन याद रखना अगले पेपर में सी गलती मत करना कि शब्द शक्ति पढ़ने लगे। कम से कम 3-4 क्वेश्चन जीएस के थे, जीएस के भी थे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर अच्छा पेपर रहा सभी का, और बिल्कुल बढ़िया रहा। आप थोड़ी सी तैयारी और बढ़ा दीजिए। एक एमपी स्पेशल का क्वेश्चन था और एक जो है रंजित बांध करके आया था, रंजित सागर बांध, रंजित सागर बांध
ऐसे क्वेश्चन थे बहुत, और एक कंप्यूटर से क्वेश्चन था, कंप्यूटर से था एक। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर सामान्य रहा है, बढ़िया रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि प्रश्नों की एक लहर बनी है, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए उससे निरंतर कंटिन्यूटी बनते गए हैं। शब्द शक्ति आज पूछी गई है, ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं। कल की क्लास जो मैराथन क्लास लगी थी उसे आप जरूर देखिएगा, उससे लगभग लगभग सारे प्रश्न बने हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आश्वस्त रहें और बहुत बढ़िया तरह से तैयारी कीजिए। और यही कहना चाहेंगे कि सत्यदेव शर्मा क्लासेस से पूरी तरह जुड़े रहिए, आपके साथ में हमेशा सदा जुड़े हैं और आपके लिए सदैव तत्पर, सुनने से शिखर तक ले जाने के लिए सत्यदेव शर्मा क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।